बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हकूमत पाकिस्तान की जानब से जो निगरान हुकूमत उनकी जानब से एक नई लोन स्कीम का आगाज किया है जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है आप इस पर अप्लाई करके लोन हासिल कर सकते हैं बड़े ही नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं और कोई भी एक इंसान जो छोटा मोटा काम कर सकता है बिज़नेस करने की सलाहियत रखता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा मेरे भी जहन में आया है वो ये था कि आया हुकूमत तो खुद कर्ज में डूबी हुई है आई एम एफ से पैसे ले के गुज़ारा किया जा रहा है तो ऐसे में हुकूमत अपनी आवाम को कैसे लोन दे सकती है तो याद रखिए जब हुकूमत कुछ डिलीवर करेगी तभी आप इसकी आवाम जो है वो अपने पैरों पर पे खड़ी होगी और वो अपने मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसमें अपना करदार अदा करेगी इस लोन का भी मकसद यही है कि लोगों को खुददार बनाना लोगों को इस काबल बनाना कि वो अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकें ताकि कल को वो इस मुल्क की तरक्की में अच्छा किरदार अदा कर सकें तो बढ़ते हैं तफसील की जान अगर आप लोग बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली दफा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यहाँ पे तकरीबन अगर इसकी अचीवमेंट देखी जाए तो एक लाख तीस हजार लोगों तक इस लोन को बचाया जा चुका है वैसे तो ये लोन अः इमरान खान साहब के दौर में शुरू किया गया था जो कि स्टिल कंटिन्यू है और तकरीबन एक सौ छह बिलियन रुपीस का जो है वो अमाउंट दी गई थी तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा लोन था तो यहाँ पे हम लोग पी के यूथ लोन के ऊपर अप्लाई नोट पे क्लिक करते हैं तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे यहाँ पे इसके तीन जहां मुख्तलिफ टेयर हैं यानी कि कह लें कि तीन मुख्तलिफ मुद्दतें का आपको लोन दिया जाता है एक मुद्दत के अंदर कम लोन है दूसरी मुद्दत के अंदर भी लोन है लेकिन वहां पर क्या है कि आपको सोद भी देना होता है टेयर वन के अंदर क्या है कि आपको पहले मरले के अंदर पाँच लाख तक का लोन मिलता है जहां पे आपको कोई सूद आपसे नहीं लिया जाता है दूसरे मरले के अंदर आपको पंद्रह लाख तक का लोन दिया जाता है लेकिन यहाँ से पाँच परसेंट सूद लिया जाता है आपसे और तीसरे मरले के अंदर यहाँ पे आपसे पचहत्तर लाख आपको लोन दिया जाता है और सात परसेंट आपसे सूद लिया जाता है इससे पहले अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप अपनी इंस्टॉलमेंट पहले से ही निकलवा के रख सकते हैं कि यार इतने मेरे पैसे बनेंगे तो आप ज़हनी तौर पे तैयार होंगे कि मैंने इतना लोन लिया है और मेरी इतनी किस्त बन जाएगी अगर आपने पहले ही कोई एप्लीकेशन दी हुई है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं और अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाती है अगर आप पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक अनाउंसमेंट भी आएगी जिसके अंदर ये बताया जाता है कि दरख्वास्त जमा करवाते हुए मदरज़ अवामल को मद्द नज़र रखें तो ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेने हैं और उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है तो पहले आपने सेलेक्ट करना है टेयर जो भी आप टेयर के लिए सिलेक्ट करें टेयर वन टेयर टू यहाँ पे अपने शिनाख्ती कार्ड की इजरा की तारीख लिखनी है आपने सी एन एस आई नंबर लिखना है और यहाँ से इस वक्त से चार पाँच बैंक जो है वो आपको लोन दे रहे हैं जैसे कि बैंक ऑफ पंजाब जो वो अकूवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस और एन आर एस पी के थ्रू आपको ये दे रहा है उसके बाद नेशनल बैंक जब वो ये आपको दो तरीक़ों से लोन दे रहा है तो ये चार पांच बैंक्स हैं जिनके थ्रू आप लोग जो है वो लोन हासिल कर सकते हैं बाकी एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है वो मैं अभी, अभी आपको स्क्रीन पे प्ले करके वीडियो दिखा देता हूँ ये इंस्ट्रक्शन हैं ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके पास कौन से कौन से कागजात होने चाहिए और आप इस कागजात को रखने के बाद ही इस एप्लीकेशन को शुरू कीजिएगा ताकि आप बार बार जब वो रुक ना जाए किसी भी जगह पे तो आप अपने एप्लीकेशन को थ्रू आउट कंप्लीट कर पाए क्योंकि एप्लीकेशन का जो चीजें हैं काफी सारी आपको यहाँ पे देनी पड़ती हैं तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी वीडियो डेमो के तौर पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको वो बता देंगे कि एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं शुक्रिया अपने मरले में दुरुस्तगी से अपना कौमी शनाती कार्ड नंबर लिखे और तारीखी अजरा दर्ज करें ड्रॉप डाउन मेन्यू से टीयर वन का इंतजाम करें इसके बाद एंटर के बटन पर क्लिक करें अब आपके सामने तफसी फॉर्म खुल चुका है बिना सूद कर्ज हासिल करने के लिए अपने माइक्रो फाइनेंस बैंक का इंतजाम करें मुंतब करदा माइक्रो फाइनेंस बैंक या इंस्टीट्यूट का इंतजाम करें फॉर्म का पहला सेक्शन आपकी जाति मालूम आरोप मुश्तमिल होगा अपनी जाति मालूम का दुरुस्तगी ऐसी इंदराज करें बाजी रहे की जिन सवाल के साथ एस्टेरिक का निशान है उनको पुर करना लाजमी है याद रहे की ये इंतहाई अहम मालूम है और इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं पहले सेक्शन में मालूम का इंदराज करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन आरोप क्लिक करें ताकि किसी भी तकनीकी मसले की सूरत में फॉर्म के दोबारा इंदराज से बचा जा सके फॉर्म का दूसरा सेक्शन आपकी कारोबारी मालूम आरोप मुश्तमिल होगा अपनी कारोबारी मालूम का दुरुस्तगी ऐसी इंदराज करें और सेव एंड प्रोसीड बटन आरोप क्लिक करें इसके बाद तीसरे सेक्शन में कर्ज की तफसी मुतालिक मालूम का इंदराज करें चौथे और आखिरी सेक्शन में फाइनेंसिंग की तफसी दरकार है अगर आपने पहले किसी भी बैंक के जरिए लोन के लिए अप्लाई किया है या था तो उसकी मालूम फ्राहम करें आखिर में दिए गए चेक बॉक्स आरोप क्लिक करें जिससे आप इस बात का हल्फा निकरार करेंगे कि आपकी मुहैया की गई मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं